नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 सितंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों मौसम की जानकारी दे दूं, कल जैसे सुबह में मौसम गड़बड़ था उसके बाद लगातार बरसात शुरू हो गई, यानी कल दोपहर को 11-12 बजे बरसात शुरू हुई, तब से लेकर और अब तक लगातार बरसात चालू है। बिल्कुल हल्की हल्की, जोर तो नहीं है पर लगातार सारी रात, कल सारा दिन, शाम को और अब भी बरसात है। बिल्कुल हल्की हल्की जड़ी चली है और ये नहीं पता कि ये कब तक चलेगी। मौसम बिगड़ा है, चक्रवात बना है ऊपर। चलिए जानते हैं आज का टमाटर का क्या बाजार चला, कल के मुकाबला बिक्री कैसी रही, क्योंकि बारिश ने माल तो डिस्टर्ब करे जी, क्योंकि मार्केटें लग नहीं पाई शाम को, यहाँ से भी लोगों ने माल कम ही खरीदे। और दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे, ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 25 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास, इनके पास जो माल आते हैं दोस्तों, टमाटो किंग के पास अपना SPN टमाटर, ये सारे के सारे VIP माल हैं, क्योंकि इनकी जो सप्लाई है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में है, जितनी दिल्ली की सारी बड़ी कंपनी है इन्हीं के पास से माल लेती है, औरों के पास से भी लेती है, इनके पास रोज के 5-6 ट्रेले बड़े वाले आते हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाऊ जी राम राम जी। राम राम राणा जी। बाऊ जी आज के कैसे बाजार चले जी, कैसी बिक्री है, कल से गाड़ियाँ कम है ज़्यादा जी? कल भी 30-32 गाड़ी की आवक थी, आज भी 32 गाड़ी की आवक है जी। अच्छा जी। जी गाड़ी कल भी इतना ही लोड था, आज भी इतना ही लोड है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो कल जैसे बरसात चली इसका कुछ इफेक्ट पड़ा जी? थोड़ा बहुत तो फर्क है, 19-20 का इतना फर्क नहीं है, माल में उठाव है, माल बिखरे हैं बराबर। अच्छा जी, आलू में तो काफी फर्क पा दिया जी, आलू नहीं बिका जी कल। अच्छा, 48 गाड़ियां बैलेंस बच गई आलू की जी। आलू क्या रेट है राणा जी अभी? आलू का रेट जी 1000 रुपए बोरी से लेके 1500 रुपए बोरी का चल रहा जी, 50 किलो का। जी जी हाँ जी। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी, बढ़िया वाले माल का हमारे जी? अपने माल अपना ये सोलापुर है जी। अच्छा जी। जी ये भाई साहब जी अपना मदर डेयरी वाले? ये कंपनी रिलायंस। अच्छा रिलायंस, रिलायंस जी। अच्छा जी, आज की सोलापुर वाले क्या बाजार चला जी आज का जी? सोलापुर माल जी जो मीडियम माल है वे 1000 रुपये, जो मोटे माल है 1000 से लेके 1150 तक, सुपर माल क्वालिटी जो मोटा माल है, जो मोटे कंपनी मेल चलने वाले जी जी, मैं 1100 के आसपास। हाँ जी, 1100-1150 भी है, 1100-1150। और जो ऐसे मीडियम जी? हाँ जी, जो मीडियम ये 1000-1050। अच्छा जी। और जो देसी माल है ये वाला, ये अपना औरंगाबाद है जी। अच्छा जी, छत्रपति संभाजी नगर। जी जी जी। अच्छा जी, इनके क्या मार्केट चल रही जी? इनकी मार्केट सर है लेके 1150 से लेके 1300 तक, मोटे बढ़िया वाले लाट बाई लाट आते हैं हर किसान का, जैसे 40 का लाट हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, तो वो लाट बाई लाट आते हैं पीछे से बन के ही। अच्छा, जैसे किसान का माल 40 का लाट है वो 40 का ही बन के आएगा। अच्छा, 100 का है 100 का ही आएगा। तो वहाँ से आप ग्रेडिंग करके आता है जी माल ये? हाँ, ये जैसा किसान वहाँ 20 किलो की भर्ती लाएगा, वहाँ पे पहले क्या अड्डे लगते थे, अब वहाँ छोटी छोटी मंडियाँ होंगी। अच्छा जी। तो मंडी में किसान लाएगा, ऑक्शन होएगी, ऑक्शन से वहाँ माल खरीदेगा व्यापारी, व्यापारी खरीद के फिर अड्डे पे लाएगा, अड्डे पे ग्रेडिंग होएगी, फिर इसको 20 किलो की खरीद के। हाँ जी। और समझ लो इसको 25-26 किलो तक भरेगा जी अखबार रद्दी लगा के। जी जी ठीक है जी। तो इसके रेट नीचे से कहाँ से शुरू है जी? है नीचे में 11-1150, ऊपर में 13। अच्छा, कल से आज ये तेज आज ये? नहीं, कल भी यही बाजार चले हैं। अच्छा, सेम बाजार है देसी का। अच्छा जी। और हाइब्रिड का भी सेम ही बाजार है। अच्छा जी। अच्छा जी जी। और इसके अलावा महाराष्ट्र के और इलाके जी? जो महाराष्ट्र के एवरगांव आ रहा है वही पोजिशन है, माल अच्छे वाले हैं। पीपल गांव है वो थोड़ा 10-20-50 रुपए कम है, वो थोड़ा पीलेपन पे माल होता है उसकी, दिल्ली में पकड़ कम होती है। अच्छा जी, हरियाणा पंजाब में ज्यादा जाता है जी? हाँ, वो हरियाणा पंजाब और यूपी में ज्यादा पकड़ होती है उसकी। जिन्होंने मंडी से बाहर स्टोर बना रखे दूसरे, यानी छोटे शहरों में, अपने आजकल रिवाज चल रहा जी, एक स्टोर सा बना लेते हैं, वहाँ गाड़ियाँ उतरती हैं, फिर वह छोटी छोटी पिकपो में सारी मंडियों में सप्लाई करते हैं। मंडी से भी सप्लाई करते हैं, कोई आड़ती ऐसा है जैसा अपना गाड़ी छोटी मंडी में पानीपत है, सोनीपत है, पूरी गाड़ी लगा ली, वहाँ से छोटी मंडियों में 100-150 करेट बाहर भेज, उधर चलते हैं हमें पीले पीले टमाटर जी सारे। जी जी जी। ठीक है जी, यानी कुल मिला के मार्केट तो कल ही जैसी है जी? जी जी। चलो बढ़िया जी, बरसात का असर ना है, मैं तो सोच रहा था बरसात असर ना कर जाए यहाँ पर। देखो आज बरसात होगी तो कल असर पड़ सकता है बरसात का, पर इतना नहीं पड़ेगा, छोटी मंडियां सब खाली हैं, बाजार है, बाजार लेवल में रहेगा, क्यों पीछे भी बाजार मंदा नहीं है, पीछे भी 40-45 रुपए किलो से माल कम नहीं है वहां पर जी। हाँ जी, 10-12 रुपए किलो का खर्चा
आता ही है जी। अच्छा जी, अच्छा जी। और इसके अलावा नया इलाका कौन सा शुरू होगा जी? अब नया इलाका भी शिवपुरी चलेगा, अगले महीने निकलेगा वो, थोड़ा भी 11वें महीने में मानो दिल्ली आएगा। अच्छा जी, वहाँ भी बरसात से नुकसान है, 30-40% नुकसान है शिवपुरी में जी। जी अच्छा जी जी। और ये तो लेट ही चलते हैं जी गुजरात वगैरह, तो गुजरात तो जनवरी में ही, जनवरी में ही चलेगा जी। अभी जो नया चलने वाला शिवपुरी है जी। हाँ जी, शिवपुरी चलेगा, फिर आपका ये छत्तीसगढ़ है। अच्छा, छत्तीसगढ़ निकलेगा। फसलें तो आपकी बार कमी हो गई जी सारे में जी, बरसातें ज्यादा हैं जी, जी हिसाब से जी। हाँ बरसातें ज्यादा ही हैं, और अभी बता रखी बरसातें ज्यादा, अब देखो कहाँ कहाँ बरसातें होगी। अच्छा जी जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत जी। ये थे जी दोस्तों दिल्ली जादपुर मंडी में आज के टमाटर के रेट। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है।